अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आप सभी को मिलादुन्नबी मुबारक हो। अब देखो सुबह उठ गई हूँ, उठने के बाद मैं क्या क्या काम करूँगी, मेरा सारा दिन का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए अभी स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी सुबह उठ चुकी थी, उठने के बाद मैंने यहाँ पर सोफ़ा कवर सब चेंज कर दी हूँ क्योंकि आज है मिलादुन्नबी। वैसे भी मैं वीकली वंस चेंज करती हूँ बट मुझे अच्छा लगता है ईद के दिन मैं सब चेंज करूँगी। तो फिर से देखिए यहाँ पर भी मैंने सोफ़ा कवर सब मैंने डाल दी हूँ। किचन की तो सफाई मैं करके रखती हूँ हमेशा से। देखो यहाँ पर वॉश बेसन सब कुछ क्लीन है। देखिए यहाँ पर वॉशिंग के कपड़े हैं, मैं कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। अभी देखिए ये पूरे मैं बेड कवर सोफ़ा कवर सब निकाली थी, वो सब ऐड कर दूँगी वॉशिंग मशीन के अंदर। देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन को सेट कर देंगे, ये तो ऑटोमेटिक ही है। स्पिन मैंने 800 रखूँगी, अभी ऑन कर देती हूँ। तो मशीन हो चुकी है ऑन, तो चलिए चलते बेडरूम के तरफ। देखिए यहाँ पर मैंने बेडशीट सब निकाल दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब सफाई कर चुकी हूँ, इस साइड का भी यहाँ पर पूरा सफाई हो चुकी है। देखो डस्ट सब यहाँ पर मैं रखी हूँ, अभी बेडशीट बिछा के मिलूँगी। देखो अब सारे ड्रॉयर्स रूम सब क्लीन करने के बाद इतना डस्ट यहाँ पर निकला है एक रूम से। देखिए यहाँ पर झाड़ू मारने के बाद मैं पोछा भी लगा रही हूँ रूम को। क्लीन हो चुकी है, देखिए यहाँ पर सब मैंने क्लीनिंग कर दी हूँ। देखिए यहाँ पर बेडशीट भी पूरा बिछा के हो चुका है। देखो यहाँ पर भी मैंने क्लीनिंग कर दी हूँ। देखिए यहाँ पर है मिलादुन्नबी का झंडा। तो ये रहा मेरे बेटे का लैपटॉप और ये तो मेरा है, हस्बैंड का, हस्बैंड के बैग में है। देखिए यहाँ पर रूम सब कितनी क्लीन लग रही है। चलिए अभी जाएंगे हॉल के पास। यहाँ पर घर भी क्लीनिंग हो चुका है, मैं तो रूम का बताई थी तो अभी हॉल बता। देखो बेटा भी यहाँ पर फ्रेश हो चुका है, देखो हेयर स्टाइल बना रहा है वो। देखिए सोफ़ा कवर सब चेंज हो चुके हैं जो मैं कपड़े वॉश करके डाली थी। देखो यहाँ पर कपड़े भी सूख रहे हैं, मैं डेली वॉश कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर माशाल्लाह मिलादुन्नबी का झंडा देखो हम लोग बालकनी में बांध दिए हैं। देखिए कितना अच्छे से लहरा रहा है झंडा। देखो सोसाइटी सब साइलेंट है क्योंकि छुट्टी है ना, इसलिए। तो देखो और भी इतने कपड़े हैं सूखने के, जगह नहीं है इसलिए रखे हैं। देखिए यहाँ पर बेटे का रूम भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये तो रूम का मैंने पूरा शेयर कर दी थी। देखिए यहाँ पर हमारा भी बेडरूम अच्छे से क्लीन हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये वाली बेडशीट मैं डाली हूँ। पूरा होम टूर मैं एक ब्लॉग ही बनाऊंगी सेपरेट से। देखिए यहाँ पर ये रहा मेरा नया वाला ड्रेस आज पहनने का। तो हस्बैंड बोले कि बहुत ही मतलब झुलडियाँ हो चुके हैं यहाँ पर, देखिए फोल्डिंग हो चुका है तो आयरन करके दूंगा करके, तो इसीलिए रखी हूँ। एक बार वो प्रेस करके देने के बाद क्लीन से बाद में मैं डालूंगी कुकिंग करने के बाद क्योंकि गंदा हो जाएगा इसलिए। तो मेरा बेटा कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। देखिए मेरे ड्रेस को वो प्यार कर रहा है। देखिए यहाँ पर डाइनिंग टेबल सब कुछ मैं क्लीन से नीट से रख चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर कुकिंग के लिए ऑनियन सब मैंने छील के यहाँ पर रखी हूँ, कोकोनट भी चाहिए था। तो देखिए इसमें आ चुका है मटन आज की कुकिंग के लिए। मटन को निकाल लेंगे बाउल में, निकालने के बाद बताती हूँ। देखिए कितना प्यारा दिए है मटन उन्होंने, देखिए गुर्दा भी है इसके अंदर यानी कि किडनी। तो चिकन भी मैं साथ ही में मंगा लेती हूँ। ये रहा बोनलेस चिकन, ये है विथ बोन चिकन, मैं एक ही साथ में मंगा के रख लेती हूँ, जब भी चाहिए मैं उस टाइम कुकिंग करती हूँ। पूरा क्लीनिंग का काम होने के बाद नमाज पढ़ के मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिलादुन्नबी स्पेशल बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम जितना तेल ले ली हूँ, ऑयल को गर्म होने के लिए रखी हूँ। ऑयल हो चुका है गर्म, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 इंच चकला और 2 लौंग। तो यहाँ पर मैं पूरा बिरयानी मसाला को मैं जोड़ के रखी हूँ। यहाँ पर मैंने 2 बड़े ऑनियन को स्लाइस करके ले ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टेबल स्पून, 5 टमाटर को अच्छे से चॉप करके ली हूँ, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना। तो चकला और लौंग अच्छे से गर्म हो चुके हैं ऑयल में, तो ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। तो यहाँ पर प्याज का कलर अच्छे से चेंज होने तक अच्छे से पका लेना है इसको, ऑयल में फ्राई कर लेना है।
देखो प्याज तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट इस चमचे से। अदरक और लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेना ताकि इसकी कच्ची स्मेल पूरी जाने तक। अदरक लहसुन भी अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है। अभी यहाँ पर मैंने गोश्त को ले ली हूँ 1.25 किलो जितना, इसका अच्छा पानी निथार को डालना नहीं तो बिसान बास से जैसे। तो मैं अखनी में ऐड कर रही हूँ पूरे मटन को, मटन बिरयानी बना रही हूँ मैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हसबे जायका नमक, मतलब स्वाद के अनुसार। पूरे गोश्त को नमक के साथ अच्छे से मिला को फ्राई कर लेना। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूखे मसाले, इसमें मैं लेको हूँ 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत तेज़ मसाला है तो इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर 1 टीस्पून। अब इन सारे सूखे मसालों को भी ऐड कर देंगे अखनी के अंदर। अब इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और हरा धनिया, पुदीना सब कुछ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस, 1 बड़ा लेमन का जूस। अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं ली हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी को भी क्रश करके डाल देंगे, इससे बढ़िया खुशबू आती है, बहुत ही अच्छे से टेस्ट भी आता है। अभी सारे मसाले मिक्स कर चुके हैं, थोड़ी देर इसको ढक के रख देंगे ऐसे ही कुकर का कैप। मसाला अच्छे से पक रहा है, अभी इसको मसाले से परफेक्ट है, नमक तेज सब कुछ। अभी इसको कैप लगा के 4 विजल ले लेंगे क्योंकि ये मटन है ना, इसलिए देखो 4 विजल आ चुके हैं। तो अखनी हो चुके है रेडी, अभी मटन गल गया क्या चेक करेंगे। देखिए अच्छे से गल चुका है मटन भी, तो अखनी हो चुकी है रेडी। तो अब यहाँ अदन के वास्ते मैं पानी रखी हूँ, पानी में मैं ऐड कर रही हूँ तेज़पत्ता, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, और ऑयल डाल को हूँ 1 टेबल स्पून। ये अच्छे से बॉईल होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे चावल। देखिए खाना 70% गल चुका है राइस, तो अभी भी इसको भी स्ट्रेन कर लेंगे। अभी अखनी को ऐड कर देंगे शतल में, अखनी को ऐड कर चुके हैं शतल में। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चावल को, अखनी और चावल को कर देंगे मिक्स। अभी बिरयानी को मिक्स कर दी, इसके ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ जो अखनी का ऑयल था वो ऑयल को भी। अभी इसको स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ दम पे, ढक के 10 से 15 मिनट दम होना है। अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी के साथ दही की चटनी। तो मैं 2 ऑनियन को छोटा सा बारीक सा चॉप करके ली हूँ, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना चॉप करके। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, कुकुम्बर और पोमोग्रेनेट सीड्स भी ऐड कर रही हूँ मैं। इसके साथ ऐड कर रही हूँ कर्ड, यह बहुत ही अच्छा रहता है बिरयानी के साथ खाने, बहुत टेस्ट देती है, तो यह ज़रूरी बिरयानी के साथ दही की चटनी। देखो यहाँ कर्ड राइस के मैं मिक्स कर ली हूँ, कर्ड राइस हो चुकी है रेडी। तो बिरयानी हो चुकी है रेडी, देखिए माशाल्लाह से। चलिए इसको सर्व कर लेंगे खाने के लिए अभी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से बिरयानी सर्व कर चुकी हूँ मैं, और राइस कर्ड भी चटनी भी रेडी हो चुकी है। आइए आप लोग भी मेरी YouTube फैमिली खाना खाने के लिए, और ये वीडियो मैं यही अभी हस्बैंड को मैं सर्व कर दूंगी बिरयानी और दही की चटनी। आ जाइए आप लोग भी जल्दी जल्दी खाना खाने के लिए हमारे घर। अब यहाँ पर मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दी थी, मैं बना रही हूँ मीठा खाना, जरदा भी बोलते हैं इसको, मिलादुन नबी स्पेशल बना रही हूँ। तो ये पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, मैं चावल भिगो के रखी हूँ, चावल को ऐड कर दूंगी इसके अंदर। तो मैं इसमें चावल ऐड कर डाली हूँ, इसमें नमक सब क्या भी नहीं डालना, फीका खाली ऐसा बॉईल कर लेना इससे चावल को। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून घी, और ताकि चावल फरारे बने। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर, क्योंकि मैं जरदा बनाने जा रही हूँ ऑरेंज कलर का, इसलिए थोड़ा सा ही मैंने कलर ऐड करी। पर खाना अच्छे से गल चुका है, अभी इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर खाने को सब मैंने स्ट्रेन कर ली हूँ, इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। तो ये 12 गिलास चावल थे, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 13 गिलास जितनी चीनी, तो शक्कर भी डाल को होगा, इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर शक्कर और चावल के साथ खाने में शक्कर अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसके ऊपर प्लेट ढक के दम पे रख देंगे। यहाँ पर खसखस को मैं भून रही हूँ, ये है 150 ग्राम खसखस,
150 से 200 ग्राम जितनी खसखस को अच्छे से सूखा रोस्ट कर लेना है। अभी खसखस को मैंने ड्राई रोस्ट करके निकाल ली हूँ बोल। चलो मीठा खाना बगार लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.25 किलो जितना घी, ये प्योर घी GRB का, मैं इसमें बॉटल में डाल को रखी हूँ। देखो इसमें ऐड कर रही हूँ घी को, कितना घी डालती हूँ उतना टेस्ट होता है। यहाँ मैं ले को हूँ सूखा नारियल को कट करके और सूखे खजूर को भी। अब ये गर्म हो गए तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सूखा खोपरा और खजूर। तो सूखा खोपरा भी खजूर अच्छे से रोस्ट हो गई। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बादाम 100 ग्राम, काजू 200 ग्राम। तो यहाँ चावल अच्छे से दम हो गए खाना। इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ खसखस। अभी जो ड्राई फ्रूट रोस्ट कर रहे थे वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। देखिए यहाँ पर मीठा खाना बनके हो चुका है रेडी। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, मिलादुन नबी का मीठा खाना हो चुका है रेडी। खाना पक्के हो चुका है रेडी, दम भी हो चुका है। अभी फातिहा दिलाने के लिए मीठे खाने को सर्व कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यहाँ पर कितना खिला खिला मीठा खाना बनके हो चुका है रेडी। अभी यहाँ पर फातिहा दिलाने के लिए मीठा खाना और पानी रख दिए हैं जानिमास पर। यहाँ पर बत्ती भी रोशन कर दिए हैं। यहाँ पर मैं रखी हूँ ऊद के लिए कोलसे को, फातिहा के बाद में मैं डालूँगी। देखिए हस्बैंड और मेरा बेटा दिला रहे हैं फातिहा, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। चलिए फातिहा स्टार्ट करेंगे, आप लोग भी जुड़ जाइएगा, आपकी दिली तमन्ना भी आप लोग भी पूछ लेना। देखिए यहाँ पर हम लोग लगाए हैं झंडा छोटा सा, बेटे के लिए लेके आए थे। तो देखो अभी फातिहा होने के बाद बेटा कर रहा है टेस्ट बिस्मिल्लाह बोल के। बच्चे भी तो अल्लाह के जैसे ही है ना। यहाँ पर मैंने चारकोल को बंद कर रही हूँ। लाइटर से देखिए इस तरह का लाइटर मिलता है। देखिए यहाँ पर इस तरह का लाइटर मिलता है चारकोल जलाने के लिए, तो मैं इसी लाइटर से सिलगा रही हूँ चारकोल को। तो देखिए यहाँ पर चारकोल जल चुका है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऊद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इससे अच्छे से खुशबू आए घर में, खुशबू महकती रही है इसलिए। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा अरोमा आ रहा है ऊद का, पत्ती डालना से चुटकी। देखो बेटा यहाँ पर डाल रहा है ऊद। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, ये बकूर, देखिए इनका फोन नंबर भी है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, आप लोग भी ज़रूर लेना और यूज़ करना। चलिए अभी फातिहा भी हो चुकी है, अभी ऊद भी डाल के हो चुका है। अभी मीठा खाना पैक करके बांट देंगे, इसको इधर ही रखते हैं ताकि रूम में सब खुशबू इसकी महकती रहे। देखिए यहाँ पर मैं और बेटा पैक कर रहे हैं मीठा खाना बांटने के लिए। देखिए यहाँ पर पैकिंग भी करके रख चुके हैं इतने सारे कवर्स, अभी भी इतना बैलेंस है, अभी इसको भी पैक कर लेना है। देखिए बेटा मेरा हमेशा पैकिंग में कुकिंग में सब कुछ हेल्प करता है। देखो बेटा यहाँ पर कवर्स निकाल के दे रहा है, मैंने पैकिंग कर दूंगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मिलादुन नबी मुबारक हो, मेरी यूट्यूब फैमिली को 12वीं का महीना मुबारक हो। सब लोग दुआ में जरूर याद रखना, ज्यादा से ज्यादा जरूर से दुआ करना, और मेरे बेटे को भी अच्छी तरक्की के वास्ते दुआ करना, सेहत के वास्ते दुआ करना, आमीन। चलिए अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, पैकिंग भी हो चुकी है, अभी हम लोग जा रहे हैं बांटने के लिए खाना। हमारी सोसाइटी बहुत ही साइलेंट है। देखो बेटा यहाँ पर लेके जा रहा है पैकेट देने के लिए। देखिए अभी बेटा यहाँ पर दे रहा है पैकेट अंकल को। देखिए ये है पार्क, पार्क एरा बच्चों का। देखिए यहाँ पर है स्नेक एंड लैडर। देखिए ये है सैंड एरिया, सिक्योरिटी को देने के लिए अंदर। अभी बेटा जा रहा है वहां पर देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को।
अभी मैं बाट के सब करके आ चुकी हूँ घर। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से वॉचिंग आवर कंप्लीट कर देना मेरा, और दुआ में ज़रूर याद रखना। फिर से एक बार आप सभी को मिलादुन्नबी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।